भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं, और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं, तो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है, और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। यहाँ एकत्र हुए हैं, यह ब्रजभूमि योगेश्वर श्री कृष्ण की भूमि है। बिहारी जी सबको प्रेम करने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, सबके ऊपर बराबर स्नेह वरसाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वह सुदर्शन चक्रधारी हैं। और जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब उन्होंने सुदर्शन चक्र का भी प्रयोग किया है। साथियों, मेरे कहने का आशय है कि योग आपके अनावश्यक एग्रेशन को खत्म अवश्य करता है, लेकिन योग आपको भीरु या कायर नहीं बनाता है। योग आपके अंदर दृढ़ता लाता है, योग आपको वह शक्ति देता है कि आप एग्रेशन को वश में कर सकें, न कि एग्रेशन आपको अपने वश में कर ले। योग आपको यह शक्ति देता है कि यदि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सज गया तो आप उससे पीछे न हटें, बल्कि डटकर युद्ध का सामना करें। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जहां अपनी रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपने मूल्यों की रक्षा के लिए अटैक इज द बेस्ट डिफेंस का फार्मूला यह काम करता है। इसलिए देश की सुरक्षा की जब बात आती है तो आक्रामक क्षमता रखने वालों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, उनका एक विशेष महत्व होता है। इसका सबसे उदाहरण यदि मैं इस मंच से दे सकता हूं तो वह है स्ट्राइक वन के जांबाज बहादुरों का उदाहरण है। आपके अंदर जो आक्रामकता की क्षमता है, जो आपके अंदर एग्रेशन है, जो दुश्मन को सबक सिखाने की क्षमता है, वह क्षमता हमारी मजबूती का एक बहुत बड़ा आधार है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस योग दिवस में भाग लेते हुए बहुत ही अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण जो जिन्हें हम योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, उन्होंने योग का संदेश पूरा विश्व में दिया है, पूरा यूनिवर्स में।
तो उनका जो है ये योग, उनकी वजह से हम लोगों को ये योग मिला है। तो हम ये योगा करते हुए बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारे लोग आज भाग लिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें भाग लेकर बड़ा अच्छा लगा। एंड देन मैं चाहूंगी कि सारे जितने भी जनता है सब लोग योग एटलीस्ट आधा घंटे के लिए रोज करें, ताकि निरोगी रहें सब।